ये कार वाले ने कहा खड़ा कर दिया, कोई मालूम नहीं इसके बीच में लगेगा ट्रक नहीं लगेगा। तो आप बाइक खिला सकते हो एक साल के बाद। मेरे सारे मुंह नहीं मार लो प्लीज। कौन सा लेके आऊं? वो भी रेडी है, वो भी रेडी है। नहीं तीसरा बड़ा रेडी नहीं, जो आपने दूसरा बड़ा BOL दिया वो रेडी नहीं है। नहीं इसकी बाइक बनती है, वेट सही है दोनों की। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए। ट्रैकिंग 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 कीप ट्रैकिंग। दो ट्रेलर यहाँ पे लेने के लिए भेजा है। हमारे जो कंपनी के ट्रेलर होते हैं आपने देखा होगा, कभी कभी मैं ट्राई एक्सल ट्रेलर उठाता हूँ। ट्राई एक्सल क्या होता है? जिसके पीछे तीन एक्सल होते हैं वो ट्राई एक्सल होते हैं, जिसके पीछे दो एक्सल होते हैं वो टेंडम होते हैं। क्वाड बोलते हैं जिसके चार एक्सल होते हैं, लेकिन क्वाड जो है कनाडा में बहुत कम चलते हैं। अभी मसला क्या है, दोनों का वेट देखना पड़ता है। तो जो लीगली बाइक जो है रोड के ऊपर लेके जाने से पहले, वो तो सब आपको मालूम ही है यार, 3500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कहीं पे स्केल नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जो पेपर के ऊपर वेट लिखा होता है ना उसका आइडिया लगाना होता है। जब पहले बी बॉक्स हुक करेंगे तब उसकी जो गेज वाली सुई आपको दिखाऊंगा, फिर जो ए बॉक्स हुक करेंगे तो उसकी भी गेज वाली सुई है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको समझ लगेगी थोड़ी सी गेम की, कि गेम एक्चुअली है क्या। जब आपके पास में स्केल नहीं होती तो ये बहुत काम की चीज होती है। ये देखो इसका लेवल देखो, ये टायर मेरा यहाँ पे लगेगा और नुकसान होगा। हुक करने के टाइम में शीशे में ध्यान होना चाहिए, दोनों शीशों में देखना है। अगर आपके टायर उसके नीचे घिस गए तो गुड्डी खराब हो जाएगी। लोडर ट्रेलर है, अभी लगने वाला था लेकिन अपने ध्यान पड़ गया उसके ऊपर, हमने रोक लिया। अभी एक और हल है वो करके देते हैं, नहीं तो उसके बाद में लैंडिंग गियर उठाने पड़ेंगे। तो ये वाला हल होता है, सस्पेंशन है बिल्कुल नीचे चला जाएगा। चल करण सिंह भाई, जोर लगाना पड़ेगा, टायरों को ऊपर उठाना है तभी बात बनेगी बॉस। थोड़ा सा उठाएंगे नीचे, देखो नीचे काफी बड़ा गड्ढा है ना, थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो अपना ट्रैक्टर आ जाएगा आराम से। इसके भी दो गियर होते हैं, अभी छोटे वाले गियर का काम है। आईशा जोर लगा के, आईशा ऐसा ना हो कहीं नीचे आ रहा हो, ये भी देखना पड़ेगा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अभी ये टायर घिस रहा है, इसमें गैप तो है लेकिन अभी जब नीचे जाता है ना तो घिसना शुरू हो जाता है। जब ट्रक उसके नीचे घुस गया था ना तब मैंने ये बंद कर दिया था, लेकिन जब नीचे नहीं जा रहा स्लिप निकाल रहा था ना तो ये वाले इंटरेक्शन लॉक लगा के फिर उसको घसेड़ा। कभी कभी थोड़ा सा पुश करना पड़ता है लेकिन अभी सब सही है। ब्रेकें छोड़ देते हैं, आज टेम्परेचर 38 डिग्री है, थोड़ा सा एसी तेज करते हैं यार। लेकिन कोशिश करो कभी भी एसी अपने ऊपर सीधा नहीं छोड़ो जब ऐसा काम कर रहे हो बाहर अंदर जा रहे हो, बाद में गर्म ठंडा हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा आपका। उतना गैप रखना पड़ता है कि आपका ट्रक जो है ना आराम से निकल जाए ऐसे। जितना आपने लैंडिंग गियर अगर ऊंचा छोड़ा है आपके ट्रक में और फिफ्थ व्हील में गैप है तो ट्रक सर्दियों में नीचे मुश्किल घुसता है, लेकिन जितना ट्रक आपने थोड़ा लैंडिंग गियर नीचे छोड़ा हुआ है तो जो फिफ्थ व्हील के ऊपर उसका सरफेस टच होता है तो ये बढ़िया होता है सर्दियों में। 50 के ऊपर सुई है ना, इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा 12,000 वेट होगा या 13,000, इससे ज़्यादा वेट नहीं होगा। तो अगर आगे इतना है तो पीछे तो कम ही होगा। जब गेट के ऊपर जाएंगे ना तो एक बार खोल के तसल्ली कर लेंगे कि लोड कितने तक भरा हुआ है पीछे, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। कीचड़ से भरा हुआ है नीचे से, आज तो दोनों ट्रेलर ने हमारी तसल्ली कराई हुई है। एक वैसे ही ऊंचा नीचे लगा हुआ था, पूरा योर लगा दिया मैंने अभी इसके नीचे, मालूम नहीं घुसेगा नहीं घुसेगा। ओ यस, तो बात बन गई है, दोनों ट्रेलर लोडेड होते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। नुकसान हो गया अगर ट्रेलर वगैरह नीचे गिर गया, ऊपर वाला करे ऐसा हो नहीं कभी, तो बस नुकसान कितना बड़ा होगा वो आप खुद अंदाजा लगा लो।
आराम आराम से, आराम आराम से। आई आवाज, आई मेरे को तो आ गई। निकालो अपने शस्त्र, आ जा भाई, अभी तेरा अभी तेरी जरूरत है। देखने से मालूम पड़ता है कि एयरबैग बिल्कुल उठ गए। क्या बात है, क्या बात है, निशाना देखो आपके भाई का, ये आज ही सीधा आया, कभी सीधा नहीं आया मेरे से। ये है ब्लैक वाला वेलो। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। चलो ये भी शुक्र है, देखो दिमाग पहले खराब हो गया था गर्मी से, आज पहले पीछे गया हुआ है ये वाला, लेकिन अभी अपने को क्या करना है, इसको आगे लेके आना है यहाँ से। अभी ये लॉक हो गया। ओहो, जितना खाना वाना खा के आते ना, पूरा यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है। याद है ना जिस दिन हुक टूट गई थी, ये वाले संगलों ने बचाया था, नहीं तो कन्वर्टर नीचे गिर जाता, उसके पीछे टेलर भी था उस दिन। अभी ये देखो, ये नीचे लग रही है, और ये अभी इसका क्या करना पड़ेगा, ऐसा आएगा ये। ये भी बहुत पंगा है, गर्मी है ना तो गर्मियों में योर बहुत लगता है और प्यास बहुत लगती है। अभी इसको वहां पे जो ट्रेलर के पीछे अकेला कन्वर्टर होता है ना, उसकी जो कटाई होती है, वो जिसने इंडिया में ट्रैक्टर और ट्राली चलाया है वो सेम कटाई है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन करना बहुत आराम से। जबरदस्ती करोगे तो कन्वर्टर आपको आगे पीछे ज्यादा बार करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे आराम आराम से करोगे तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आगे पीछे करने की, क्योंकि गर्मी पहले ही बहुत है। आएगा, क्या बात है, क्या बात है। एक बार आगे वाला गियर डाल के ना वैसा उठा के देख लेते हैं, उठा के अगर वो ढीला वीला होगा तो उसी टाइम निकल जाएगा, नहीं सही है। टेम्परेचर 28, 2022 अगस्त 1/2+। सातवां महीना, जब कभी भी कन्वर्टर जैसे हमने हुक किया ऐसे हुक करोगे ना, तो नीचे आके एक बार जरूर वहां पे देखना है। बिल्कुल सही है मियां मियां, मियां मियां। अभी हैमर लेके आऊंगा, एक बार सारे टायर चेक करूंगा, एयर बैग इसके भी सही है। ओ, 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 ओ। भाई साहब जुबान बाहर आ जाती है, आज यार प्लस 40 हो गया। टग टेस्ट कर लेते हैं, टग टेस्ट, दोनों ब्रेकें छोड़ के ये पांचवें गियर में उठते हैं। जब हैवी लोडेड ट्रेलर होते हैं ना, तो आराम से हाथ से डाउन कर लो गियर, और आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दो पे ये न्यूडल किया, ये टग टेस्ट किया। टग टेस्ट करने के बाद में कम से कम 5-7-10 सेकंड वेट करो जिनके पास में बाइक है, क्योंकि हवा क्रॉस होने में टाइम लगता है। यू कैन सी ट्राई ट्राई एक्सल कितने टायर हो गए, गिनती करना। पूरे ट्रेलर जो है इसके ऊपर मेंशन करके लेके जाने हैं, हमने दोनों ट्रेलर उठाए, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। गलती किसी भी तरीके की है, अगर आपसे हुई है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है। अगर आप आराम से पेशेंस से तसल्ली से काम कर रहे हो, फिर आपको तसल्ली रहेगी, गलती हो भी गई चलो यार हो जाता है, कभी कभी किसी भी इंसान से हो जाएगी। लेकिन अगर आप यार्ड में आए हो 20-25 की स्पीड पे इधर भगा रहे हो, जल्दी जल्दी ऐसे 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 कर रहे हो, तो क्या होगा, कोई ना कोई गलती हो जाएगी। बी बॉक्स वहां से उठा के यहाँ लेके आते हैं, ए बॉक्स लेके आते हैं, कन्वर्टर जोड़ते हैं, फिर उसको पीछे घुसाते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है भाई। जब तक कंपनी की प्रॉपर्टी के ओपन होते हैं ना, तब तक सेफ्टी जैकेट नहीं उतार सकते और सेफ्टी शूज भी नहीं उतार सकते। जिस भी कंपनी से लोड उठाने जाते हैं, हर एक कंपनी की अपनी अपनी कंडीशंस और अपने अपने रूल्स होते हैं, उसी के हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज ये लोग क्या करते हैं, आपकी कंपनी में मेल भेजेंगे या फिर आपको बैन कर देंगे। बैन नहीं होना है हमको, क्योंकि दिहाड़ी भी लगानी है। अगर कंपनियों में से बैन होना शुरू हो जाएंगे गलतियां करके, फिर कर लिया काम हमने। जब भी लेफ्ट करनी होती है ना बाइक के साथ में, तो आपका जो लेफ्ट वाला ट्रैक है ना, वो ऐसा वाला ट्रैक होना चाहिए, अदरवाइज आप लेफ्ट नहीं कर सकते। वाह, आया भाई आया, पहले निकल जा तू। इसको बोल देते हैं कि जाओ, क्योंकि हमारा काम तो लंबा है।
से कार आ रही है तो मेरे को वेट करनी पड़ेगी जब तक कार आती है। पीछे से एक बाइक भी आ रही है। ये कार वाले ने कहा खड़ा कर दिया, कोई मालूम नहीं इसके बीच में लगेगा ट्रक नहीं लगेगा, इसके बीच में लगेगी आज आप तक। बचाव हो गया। खतरनाक काम है भाई, खतरनाक काम है। यहाँ पे मेरे को ब्रश उड़ा है क्योंकि गर्मी में पाई की बनाई थी ना, तो अभी मुंह थोड़ा सा ना चिपचिपा सा हो रहा है, एक बार मुंह मां धो लेते हैं यहाँ से। ये वाला खमड़ा देखो इसका टूट गया है। ये वाले दोनों सही हैं, ये वाले भी सही हैं। भाई तू कैसा है, ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ड्रोन शॉट के लिए अगर आपने लाइक नहीं दबाया या ड्रोन शॉट के लिए तो बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि कितनी मेहनत लगती है, कहाँ पे ट्रक खड़ा करता हूँ फिर ड्रोन उड़ाता हूँ। दबा दो यार सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबा दो। डबल ट्रेलर की जो ट्रकिंग होती है ना इसमें यही मजा आता है, हर बार कुछ ऐसा हो जाए जो आपको मजा आ जाए देखने में और हमको करने में। मुंह मैंने अभी नहीं धोया, अभी अंदर जाके मुंह हाथ धोते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। 2000 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका भाई सबवे से खाली हाथ आ रहा है क्योंकि आज शाम को पार्टी है यार, पार्टी में खाएंगे। क्यों खाना है यहाँ पे, अभी पेट भर जाएगा, 2 घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी। तो अगर पार्टी वाले बंदे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई फूड रेडी कर दो, मेरे को बहुत भूख लगी हुई है। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा भाई, जाने दे। एक चीज मेरा दिमाग में रखना, जितना मेरे को मालूम है मैं आपको बताता रहता हूँ। जब भी आप डबल ट्रेलर के साथ में लेफ्ट और राइट ले रहे हो, एक बहुत बड़ा नमूना मेरे साथ होते हुए देखा है ना ऑलरेडी, तो बस समझ लो कि नुकसान होने से बचाना है तो आराम से लेफ्ट राइट करो, जब सीधे हो जाते हो भगा दो। क्या बात है, ये भाई साहब आपकी वेट करा था बहुत टाइम से। ये हस्बैंड वाइफ है, चलो भैया तो मेरे को पक्का मालूम नहीं हस्बैंड वाइफ है या नहीं, लेकिन लेडीज और जेंट्स दोनों है, एक पे लेडीज एक पे जेंट्स। ये मौजी हो गई, कभी मुंह उस तरफ कर लो कभी मुंह इस तरफ कर लो। मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर काफी मैसेज इस चीज के भी आते हैं कि मैं ट्रक चला रहा हूँ कनाडा में भाई, लेकिन पाइक कैसे, पाइक का लाइसेंस का क्या सिस्टम होता है। भाई अगर आपकी कंपनी के पास में पाइक का काम है तो आपको आप पाइक चला सकते हो 1 साल के बाद में या फिर 1,00,000 माइल होने के बाद में। जैसे मैं मैनिटोबा में रहता हूँ तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है MTA, मैनिटोबा ट्रकिंग एसोसिएशन। आपकी कंपनी आपकी क्लासे वहाँ पे बुक रहेंगी, उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद में आपकी कंपनी में ही आपका टेस्ट होता है। बंदा MTA डिपार्टमेंट से एक बंदा आएगा इंस्ट्रक्टर, जो एग्जामिनर जो आपका टेस्ट लेगा, वो टेस्ट हर कोई पास कर लेता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि जिन लोगों ने ट्रक चलाया होता है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन जब आप नई बाइक बनानी चालू करते हो ना, उस टाइम के ऊपर आपको ये मालूम नहीं पड़ता कि आपका ए बॉक्स कन्वर्टर की तरफ सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा। ट्रैक्टर से जब कन्वर्टर हुक करना होता है तभी प्रॉब्लम आती है। टेस्ट के बाद में आपकी कंपनी आपको एक छोटा सा लाइसेंस जितना कार्ड होता है कार्ड के ऊपर आपको मेंशन करके देती है कि ये बंदा हमने अप्रूव्ड किया हुआ है अपनी कंपनी की ओर से कि आप रोड के ऊपर LCV चला सकते हो। अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो फिर कंपनी लाइसेंस नहीं भी देती, कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी के हाथ में होता है LCV का पाइक का लाइसेंस। कंपनी जब चाहे आपको लाइसेंस दे सकती है, कंपनी जब चाहे आपको लाइसेंस ले सकती है आपसे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कंपनी लाइसेंस नहीं लेती भाई, लेकिन अगर आप गंद डाल रहे हो तो लाइसेंस आपको वापस देना पड़ेगा कंपनी को। सीढ़ी देखो, सीढ़ी सीढ़ी में बहुत इश्क आ रहा है मेरे को आजकल। वाह फाइनली यार्ड आ गया।
पानी के कट गया है? शायद पता नहीं, हमारा हर बार यही होता है, लेट हो गए। केक कटा गया? हाँ जी। नहीं ले आओ केक, मैं फोटो खिंचवानी है। जाए और केक दे आओ, ले आओ जिन्ना कहेगा मैं खिंचा लेना उतना। भाजी आयो यार, लेट हुए फिर क्या हुआ? केक तो खिला ही सकते हैं ना, है हमारे फैमिली मेंबर ही, लेकिन वेट नहीं किया उन्होंने 15 मिनट भी। लेट आया है ये, हर बार का काम है। असली पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हाँ कंफ्यूज थे मैं, नहीं मैं मुंह खराब ना प्लीज। नहीं मैं डर गया, नहीं 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 पूरे मुंह नु मलो भाई, मैं मेनू फड़ावा तुझे पता जिन्ना आपे मलोगे बेसिक कट, जिन्नी बेसिक कट कराओगे ताडे हाथ वेची है थोड़ा 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 यार। नहीं नहीं मैं लाऊं नहीं करना, तू बोझो ना थोड़ा यार। ओ एक मिनट मेरे खज लेंस फाई पे लेंस और अखा तो नहीं लोगे अब्बा। यस यस यस। ओ अभी पार्टी फिनिश हो गई बॉस। अभी अभी ये मत बोलना, पहले कोई और लड़की थी अभी कोई और है। वही है ये। मैंने कहा था मेकअप, मैंने कहा था मेकअप ही है। आ रीता मुश्किल से मैं अपनी पूरी शर्ट साफ करके आया हूँ, पूरी शर्ट वॉश करके। भाजी हैप्पी बर्थडे एक बारी फिर है। रोके दा मुंडा पीछे मारदा है गेड़िया, देखते हैं मोरनी आज के बच्चे। तो ठीक है यार, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको मालूम है क्या करने का, लाइक करना। जो बंदे अपने चैनल के ऊपर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो यार, अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा। एक बहुत ही जरूरी बात है जो आपको बतानी है कि ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन 15 अगस्त वो निकल चुका होगा और ये आ रही है वीडियो राखी के पास में। तो 15 अगस्त की बी लेटेड सबको बधाई हो, और राखी कल है तो राखी की भी आप सबको, सभी बहनों को सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। हंस करके जितना भी टाइम निकल जाए वही अच्छा होता है, क्या पता जिंदगी का बुलबुला जो होता है, जिंदगी का जो बबल होता है कब ऊपर वाले ने बंद कर देना है। सो हंसते खेलते रहो यार, खुशियां बांटो, खुशियां मिलेंगी, रब रखा।